वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे नेता जिन्हें आम लोगों का नेता कहा जाता था। उनकी सादगी और स्वभाव हर किसी का दिल जीत लेता था। किसान नेता के तौर पर मशहूर चरण सिंह प्रधानमंत्री होते हुए भी बिना सिक्योरिटी के आम लोगों के बीच पहुंच जाया करते थे। उनकी यही सादगी लोगों में उन्हें खास बनाती थी। बात सन 1979 की है। चौधरी चरण सिंह उस वक्त देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पीएम बने कुछ ही महीने हुए थे कि इसी बीच यूपी के कई जिलों से चरण सिंह को किसानों की शिकायतें मिलने लगी। किसानों का आरोप था कि पुलिस और ठेकेदार घूस लेकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। ऐसे में किसान नेता होने के चलते वो इस समस्या का हल भी खुद ही ढूंढना चाहते थे। अगस्त 1979 शाम 6 बजे उत्तर प्रदेश के इटावा में मैला कुचैला धोती कुर्ता पहने एक बुजुर्ग किसान अपनी बैल चोरी की शिकायत लिखवाने उसरा हार थाने पहुंचा। इस दौरान छोटे दरोगा साहब ने पुलिसिया अंदाज में उनसे कुछ आड़े टेढ़े सवाल पूछने के बाद बिना रिपोर्ट लिखे किसान को चलता कर दिया। बुजुर्ग जब थाने से जाने लगा तो एक सिपाही पीछे से आवाज देते हुए बोला, बाबा थोड़ा खर्चा पानी देंगे तो रपट लिखा देंगे। आखिरकार रिश्वत लेकर शिकायत लिखना तय हुआ। पूरा मामला लिखने के बाद मुंशी ने कहा, बाबा दस्तखत करोगे या अंगूठा टेकोगे? किसान बोला, पढ़ा लिखा ना हूँ, अंगूठा ही टेकूंगा। मुंशी ने कागज किसान की तरफ सरकाया और स्याही वाला पैड भी बढ़ा दिया। किसान ने जेब में हाथ डालकर एक मोहर और कलम निकाली। मुंशी जब तक कुछ समझ पाता, किसान ने स्याही के पैड से मोहर पर स्याही लगाई और कागज पर ठोंक दी। मुंशी ने कागज घुमाकर पढ़ा, मोहर लगी थी प्रधानमंत्री भारत सरकार। मुंशी जब तक कुछ समझ पाता, किसान ने हाथ में थामे पेन से लिख दिया, चरण सिंह। ये देखकर पूरे थाने में हड़कंप मच गया। सभी समझ गए कि ये मैले कुचैले कुर्ते वाले बाबा किसान नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया और पूरे के पूरे उसराहार थाने को सस्पेंड कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों से मिल रही लगातार शिकायतों के बाद उसराहार थाने में औचक निरीक्षण करने आए थे। इस दौरान उन्होंने अपने छोटे से काफिले को थाने से कुछ दूर ही रोक लिया था और अपने कुर्ते पर थोड़ी मिट्टी डालकर और जूती उतार कर नंगे पैर अकेले ही थाने शिकायत लिखवाने पहुंच गए थे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।